गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस का चैप्टर है फर्स्ट अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो भाई उसमें आगे के टॉपिक्स में हम देखते जो कि भाई यहाँ पे आए थे, जिन्होंने राज किया और किसने हमारे इंडिया की सही रूप से शोध की हो। तो है नेक्स्ट हमारा द डच। द डच में क्या है, तो भाई आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ अराइवल ऑफ पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी, आफ्टर 100 ईयर्स 100 सालों तक जब पोर्टुगीज ने राज किया था, तब जब एंड हुआ 16th सेंचुरी का, पोर्टुगीज यहाँ पे कब आए थे, 15th सेंचुरी में यहाँ पे पोर्टुगीज आए थे और उसका एंड कब हुआ, 16th सेंचुरी में, मीन्स के 100 ईयर्स के 100 ईयर के टाइम में उन्होंने यहाँ पे राज किया था। द डच ऑफ हॉलैंड, मीन्स हॉलैंड क्या है आज का, तो फिर भाई नेदरलैंड, हम पहले हॉलैंड नेदर अभी के नेदरलैंड को पहले हॉलैंड बोलते थे। कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है एसएमआईज पोर्ट एंड वर्कपोर्ट एंड मद्रास। जब एसएमआईज मिलके पोर्ट्स बनाए थे कहाँ पे, तो फिर चेन्नई के, कि जो मद्रास पहले उसको बोलते थे जो कि आज का चेन्नई है। दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन ईयर 1663। इन दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने बनवाया था द ट्रेडिंग सेंटर। ट्रेडिंग सेंटर में से हमें तो कलारा अर्थात कुत्ते हैं ना, जब वो जो चीज़ों की लेन देन करते, तो तब उन्होंने बनवाया था 16th सेंचुरी में, 1663 में। मेंबर इज अ ब्रिटिश आल्सो आई मीन इंडिया, और तभी हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे जब ब्रज का जो टाइम था तब। डच कुड नॉट वेस्टेंड द कंप्लीमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो डच लोग थे वो ब्रिटिश के अबाउट कोई भी कंप्लीमेंट नहीं करते थे, कंप्लीमेंट नहीं करते थे, इसलिए भी उन्होंने खुद का जो ट्रेड है वो अपने हिसाब से सभी लोग चला रहे थे। पोर्टुगीज को भी अपने हिसाब से अपना ट्रेड करते थे, जो डच के वो अपने हिसाब से ट्रेड करते थे। तो यहाँ से हमारे डच के जो एम्पायर है उसकी शुरुआत हुई और पोर्टुगीज का जो एम्पायर था उसकी एंड हुआ। तो पोर्टुगीज जब आए थे तब इसकी 15th सेंचुरी, और डच जब एंड ऑफ 16th सेंचुरी के एंड में कौन आया, तो कि भाई हमारे डच की डच लोग यहाँ पे नेदरलैंड में आए और फिर वहाँ पे इंडिया में अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। इंस्टेंटली दे हैव एस्टैब्लिश्ड फोर्ट, उन्होंने फोर्ट्स वगैरह बनवाए थे क्योंकि ट्रेड के लिए फोर्ट्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत थी, कि कोई सेंटर होना चाहिए कि आप जहाँ से अपना जो सामान वगैरह है उनकी ले